इतिहास पृथ्वी सिंह किरणमयी आपके लिए लाए हैं अमर कैसेट इंडस्ट्रीज मेरठ रोड हापुड़ वाले, जिसके गायक महाशय नंदराव आर्य और ढोलक पर साथ दे रहे हैं रोहतास सिंह आर्य और खंजरे पर साथ दे रहे हैं श्री बाबू सिंह। तो सुनिए, आपकी सेवा में ये। उधर शेर का इंतजार देख लिया, पता नहीं दुनिया में रहूंगा या जहन्नुम को जाना ही पड़ेगा। जब यह रंडी आती नजर पड़ी, कुछ जान में जान आई, कहने लगा जल्दी बता दे, रोटी मुंह को ना चल रही बिल्कुल। दिन नेड़े लग गए, कहने लगी कम वक्त, तैने कहां फांस दिया मुझे, पल्ले जा शेर खां, तू भी क्या याद रखेगा, जिंदगी बचा दी तेरी। ये बोला बच गई, बिल्कुल बच गई। कैसे बच गई बता तो दे। अरे बच गई तो चिंता मत कर, बेधड़क चला जा अकबर के दरबार में और कह दिए मैं 15 दिन रहकर आया हूँ किरणमयी के पास। घबराइया मत, पर एक बात आवेगी तेरे सामने। क्या? ये आवेगी, जब तुम 15 दिन रहकर किरणमयी के पास आए तो जिन मकानों में तुम रहे हो, किसके सामने मकान है, तो क्या बतावेगा? ये बोला हाँ बताऊंगा, तो जब भी जब बता देगी तो देख पूरा नक्शा बना लाई, ये दिखा दिए सामने मकान है। ओहो, शेर खां खुश हो गया, भाई ये तो कमाल कर दिया। कमाल अभी क्या देखे, ये देख कटारी पृथ्वी सिंह के हाथ के नाम खुदा हुआ पृथ्वी सिंह। शेर खां ने कटारी हाथ में ली, भाई वाह वाह, वास्तव में मान गया, कमाल कर दिया। लेकिन एक बात तो बता दे, इस कटारी से या राजमहल के नक्शे से बात ना बनी, और फिर भी वो अपनी नारी को पतिव्रता बताओगे कि वाह ये चीज तो किसी और तरह भी आ सके। रंडी कहने लगी, अरे बावले नीचा देख जाएगा पृथ्वी सिंह, इतने पे भी ना मानने ना हो और अपनी को पतिव्रता बताओ जावे। तो कह दिया बाई रान पर एक तिल है उस किरणमयी की, एक लहसन है बाई रान पर, ये बता दिए। बस जब इतना बोल सुना तो मारे खुशी के हाथ तो कूद गया शेर खां, भाई वाह वाह वाह, अब मान गया, अब बच गई जिंदगी, ये बाई रान का तिल जो है वह ये बचा लेगा, अब बदमाश साबित हो जाएगी, हाँ नीचा देख जाएगा पृथ्वी सिंह, अब उसकी कोई पेश नहीं चलेगी। देखिए खुश हो गया। आज मेरे लिए तू खुदा बन गई, तेरा एहसान नहीं भूल सकता, भूलू ना एहसान तेरा। अब जल्दी दिल्ली जाना है और जल्दी से जल्दी अब तो तेरा इनाम पहुंचाना है। ये बोली पहुंचाना, अरे अब ना देने का क्या? ये बोला देख मैं तेरे फायदे की सोच रहा हूँ, तेरे फायदे की सोच रहा हूँ, 2-4 दिन का ही केवल तेरे से करता हूँ वादा, बादशाह से जितना इनाम मिलेगा कर लेंगे आधा आधा, कर लेंगे आधा आधा, वहां से जितना कर लेंगे आधा आधा, थोड़ा बहुत इनाम थोड़ा ही मिलेगा, बहुत इनाम मिलेगा, आधा तेरा और आधा मेरा। ये बोली चल मैं ऐसे भी तैयार, बस अब तो मुझो को ऐंठता हुआ चल दिया घोड़े पर चल के शेर खां, अब तो कोई गमी नहीं, कितने जोर लगाओ अब तो पृथ्वी सिंह, अब क्या बात बनी, क्योंकि बात ही ऐसी हाथ लग गई। अब ना देर लगाता है और जल्दी जल्दी चल करके बस ये दिल्ली में आता है, आ गया दिल्ली में। जब दरबार में पहुंचा तो सबसे पहले पृथ्वी सिंह ही मिल गया। पृथ्वी सिंह कहने लगा शेर खां आ लिए भैया? हाँ भैया आ गया, क्या पता लाए मेरी पतिव्रता का? ये बोला तेरी पतिव्रता का?
अरे आ जाओ अकेला, क्या पूछे, बादशाह के सामने बता दूं। अब पृथ्वी सिंह ने देखा कि मुझे अपनी नारी पर तो पूरा विश्वास है, वो अपनी जान दे सकती है लेकिन अपना ईमान नहीं दे सकती, पूर्ण विश्वास है अपनी पत्नी पर, लेकिन इसका तो चेहरा खिल रहा, जिसे फांसी लगने वाली है उसके चेहरे पे इतनी रौनक। अफसोस ये चक्कर क्या है, खैर जैसा होगा देखा जाएगा। शेर खां को देखते ही सारा दरबार भर गया, बात सुनने के लिए लिखित बात है बादशाह के यहाँ, पता नहीं कौन सा मरेगा और किसे मिलेगा इनाम। एकदम दरबार भर गया, अकबर बादशाह कहने लगे, शेर खां आलिया तुम, हाँ बादशाह आलिया, बता दो फिर अब देरी क्या है, वो तो लिखित बात है टलने वाली नहीं। कहने लगा ठीक है बादशाह अभी बताता हूँ, पर एक काम कर दो जरा, इसे पृथ्वी सिंह को मेरे सामने कर दो, क्योंकि उस दिन तलवार ले लेके मेरे ऊपर को आ रहा था, जरा सामने कर दो इसे। पृथ्वी सिंह कहने लगा मैं बिल्कुल सामने हूँ, कह दे तू। देखिए बड़े गजब की बात कह दी, क्या करे शेर। पृथ्वी सिंह शेर पिंजरे में है, मजबूर है, कुछ कह नहीं सकता, क्या कह रहा शेर खां। अरे जिसे बतावे था पति वर्ता, पृथ्वी सिंह मेरे भाई, लाया हूँ साबूत सभी वो जैसी तेरी लुगाई, लाया हूँ साबूत सभी वो जैसी तेरी लुगाई। शर्त लगा मेरे साथ, 15 दिन रह के आया मैं जिसे तू पतिव्रता बता रहा था उसके पास, बात वही सामने आई जब 15 दिन तुम रहे हो जिन मकानों में। किस किस सामने मकान है, वो तो पूरा नक्शा बना हुआ था, उत्तर सामी पूरब सामी तेरे महल अटारी है अकना, किरण मई जहाँ सोती है दो पलंग निवारी है अकना। और आमा सामी कमरे के माँ बनी अलमारी है अकना, यदि नहीं विश्वास देख ले यो तेरी कटारी है अकना। ये देख ले कटारी पहचान किसकी, तो नाम खुदा पृथ्वी सिंह, देखा अकल गई चकराई, लाया हूँ साबूत सभी वो जैसी तेरी लुगाई। बतावे था पतिव्रता पृथ्वी सिंह मेरे भाई, लाया हूँ साबूत सभी जैसी तेरी लुगाई। कटारी सामने पेश कर दी, पृथ्वी सिंह ने हाथ में कटारी ली, कटारी पहचान ली, कटारी को पहचान लिया, लेकिन अफसोस करने लगा कटारी को देखकर, मेरी पतिव्रता किसी कीमत पर भी मेरी कटारी किसी गैर को नहीं दे सकती थी, लेकिन ये कटारी आई तो आई कैसे, चक्कर में पड़ गया, अफसोस कटारी कैसे आई, मेरी पतिव्रता नहीं दे सकती थी। अकबर बादशाह कहने लगे पृथ्वी सिंह क्यों अफसोस कैसा करते हो, किसकी कटारी। कहने लगा बादशाह कटारी बिल्कुल मेरी, मेरी है कटारी, लेकिन बादशाह इस कटारी से या राजमहल के नक्शे से वो मेरी पतिव्रता बदमाश नहीं बन सकती, मेरी तो पतिव्रता ही है, ये चीज तो किसी और तरह भी आ सके। ओहो, शेर खां बोला अच्छा अब भी और आगे बढ़ेगा, अब के नंबर में गजब ढा दिया, यूं के 15 दिन में न किरण मई के संग में मजे उड़ाए, समझ मुझे भरतार नार ने निस दिन पैर दबाए, हो समझ मुझे भरतार नार ने
जाए। पर बढ़िया बढ़िया भोजन मैंने तेरे घर पर खाए, यदि नहीं विश्वास देखिए खास निशानी लाए। यदि नहीं विश्वास देंगे खास निशानी लाए क्या के बाई बाई रान पे लहसन का तिल ये भी दू बतलाई, लाया हूँ साबुत सभी जैसी तेरी लुगाई। कह दिया बाई रान पे तिल है या नहीं, कचारी को देखकर तो कुछ अफसोस ही किया था, और जब यह सुन लिया बाई रान पे तिल, बस बुरी तरह आंखों से आंसू टूट पड़े, रोने लगा पृथ्वी सिंह हाय पापन हत्यारी किरण मई, मैं तो तुझे पतिव्रता मानता था, मुझे पता नहीं था तेरे पेट में कपट छुपा हुआ था, पेट की काली पापन हत्यारी थी तू, मुझे झूठा प्यार दिखावे थी और अपने को पतिव्रता बतलाती थी, आज तेने मरवा दिया मुझे। रोने लगा अकबर बादशाह, कहने लगे पृथ्वी सिंह अब मौत आई तो रोने लगे, फांसी का नंबर आया पहले शर्त लगा ली। कहने लगा बादशाह मैं इसलिए नहीं रोया कि मुझे मरना पड़ेगा, पहले तो ये बताओ सही बात है शेर खां की? हाँ बादशाह बिल्कुल सही, कटारी भी सही, राजमहल का नक्शा भी सही और बाई रान का तिल भी सही, जीत गया शेर खां में हार गया बादशाह, तो फिर रोए क्यों? भाई ये मत पूछो मैं क्यों रोया, तो रोने दो थोड़ी देर, मैं अपने मरने के भय से नहीं रोया कि मुझे फांसी लगेगी, मेरे रोने का कारण तो कुछ और ही हो गया, बस क्या हो गया, मैं यूं रोया आज सीता को कलंक लग गया जिसे जमाना प्रशंसा करता था, हम बड़े गर्व के साथ कहते थे हमारी सीता, अब कोई नहीं कहेगा उस सीता को कि सीता पतिव्रता थी, सीता को जो कलंक लग गया ये बुरा हो गया, मुझे अपने मरने का गम ना बस। तो देखिए ये श्री राम इलेक्ट्रॉनिक्स मंडी धनौरा ये भी खुश होकर 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, धन्यवाद। तो अकबर कहता पृथ्वी सिंह जो शर्त लिखी हुई है उसके मुताबिक तैयार हो जाओ, ये कहने लगा मैं तैयार हूँ बस, आप दे दो मुझे फांसी, जब मैं हार गए फांसी तो लगेगी, लेकिन एक बात बता दो बाहर, वैसे पृथ्वी सिंह तेरे मरने का जितना मुझे दुख है ये मैं ही जानता हूँ, मैं ही जानता हूँ जितना मुझे दुख है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, इस समय कुछ कर नहीं सकता, इस लिखे हुए से मजबूर हूँ कुछ नहीं कर सकता, अब ये बता दो अंतिम समय है तुम्हारा, किसी से इच्छा मिलने की हो, कोई भी इच्छा तुम्हारे मन में हो वो पूरी होगी, तुम्हारा अंतिम समय। ये कहता बादशाह मन नहीं चाहता किसी से भी मिलने के लिए, जमाना दुश्मन दिखाई दे रहा, अब तो चलन दो दुनिया से। नहीं नहीं बहादुर ऐसी बात नहीं, कोई ना कोई बात तुम्हारे मन में जरूर हो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, बता दो तुम्हारा अंतिम समय। कहने लगा तो बादशाह इच्छा पूरी करना चाहते हो तो केवल एक ही इच्छा है, जहाँ मैंने जन्म लिया था, जो मेरी जन्मभूमि है, जहाँ पला था, जिस मिट्टी में घुटनों के बल चला था बचपन में, वो जन्मभूमि याद आ रही, अंतिम नमस्कार करना चाहता था अपनी जन्मभूमि को, अगर आपकी इजाजत हो। अकबर बादशाह कहने लगे नहीं पृथ्वी सिंह ऐसी बोधी बात नहीं कहो, आप जन्मभूमि के दर्शन जरूर करो, जन्मभूमि के दर्शन आप जरूर करो, लेकिन ऐसे नहीं जान देने का दर्शन करने। अकबर बोला पृथ्वी सिंह जन्मभूमि के दर्शन कर आइए, जन्मभूमि के दर्शन कराइए, पर जब तक के लिए यहाँ किसी की वीर जमानत कर दीजिए। जब तक के लिए किसी की जमानत देनी पड़ेगी, बिना जमानत के नहीं जान देता। बस साहब देख इतने हिंदू बैठे हैं, इनसे मालूम कर ले दो दिन की जमानत तेरी कौन लेता है,
तब जाना दर्शन करने जन्मभूमि। अब जमानत का चक्कर, जिधर हिंदू बैठे थे उधर को मुंह करके रोने लगा, हाय मेरे हिंदू भाई, आज तुम्हारी सीता को कलंक लग गया। अरे कोई है हिंदू सरदार, जमानत कर ले मेरी रे दो दिन की। दिन की हिंदू भाई, तारा दमयंती जो भाई, वो सीता जगत मात कहलाई। आज उनके मुंह को लग गई स्याही, मैं तारीफ करूं था जिन जिन की। जमानत कर ले मेरी दो दिन। जमानत मेरे ले लो हिंदू, और एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तो धोखा खाई गया, तुम मत खा जाई, तुम मत खा जाना धोखा। अपनी अपनी नारी का कोई भी विश्वास मत करियो, चाहे कितना भी प्यार दिखा, ये बता देता मैं तो चली दिया दुनिया से। आज चौड़े में सामत आई, मुझे मरवा गई मेरी ब्याही, लिखते लिखते खत्म हुई स्याही, हरि सिंह गजब तेरे अपन की। कोई है हिंदू सरदार, जमानत कर ले मेरी दो दिन की। तो भैया हिंदू दो दिन की मेरी जमानत ले लो, मैं दुनिया से जा रहा हूँ। दो दिन की जमानत को कहा हिंदुओं से, पर जितने हिंदू बैठे थे भाइयों, किसी ने ना ये जवाब दिया, किसी ने नहीं जवाब दिया। और पृथ्वी सिंह की कुर्बानी पे कर सब ने पेशाब दिया। पृथ्वी सिंह की कुर्बानी पे कर सबने पेशाब दिया, कोई हिंदू तैयार नहीं जमानत के लिए। अकबर बादशाह कहने लगे, बोलो बहादुर पृथ्वी सिंह, अब कैसे करोगे, तुम्हारी तो जमानत को भी तैयार ना है। हिंदू बेचारा खड़ा रो रहा है, हाय रे हिंदुओं, तुम्हें मेरा दो दिन का विश्वास नहीं, दो दिन की जमानत नहीं ले सकते ना। सबकी गर्दन नीचे को हिंदुओं की। अकबर कहने लगा, देखा, अरे इन हिंदुओं की तारीफ करे करे था, अब कैसे जाओगे तुम दर्शन करने जन्मभूमि की। जा मैं करता हूँ तेरी जमानत, इन हिंदुओं का हृदय ना पिघलने का। मैं करता हूँ तेरी जमानत, चाहे कितने दिन में आ जाइए, पर एक बात की मेरे सामने वीर कसम तू खा जाइए। कसम दे रहा है, देखिए ये मेरी आवाज की असली कैसी थे, अमर कैसी तुम्हें ही आपको प्राप्त हो सकती है।